जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त चोलिस्तान में मौजूद हैं। अभी चोलिस्तान में एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल आपको बताते हैं कि चोलिस्तान टोबा खीरसर के मुकाम पर। टोबा खीरसर के 100 घरों के करीब जो आबादी है, ये आज तक बिजली का बिल इन लोगों ने नहीं दिया। उसकी वजह आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भावलपुर ने इंस्टॉल किया है, और ये सारा गांव सारा दिन सारी रात इसी सोलर सिस्टम की वजह से ही चलता है। और यहाँ पे ये पाकिस्तान का शायद वाहद गांव है जहाँ पे बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे 250 के करीब सोलर प्लेटें हैं जो 500 वाट की एक प्लेट है, और उसके साथ तकरीबन 36 ड्राई बैटरी भी रखी हुई हैं जो रात को बैकअप देती हैं। ये रात को अमूमन तकरीबन 12-1 बजे तक चल जाता है, और सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में ही ये दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाता है। इंतहाई खूबसूरत बात कि आज के दौर में जहाँ पे लोगों को 40-50 रुपये बिजली का एक यूनिट पड़ता है, और ये लोग सारा दिन अपनी ज़रूरत की बिजली जो है ना सोलर के सिस्टम के थ्रू ही इस्तेमाल में लाते हैं। चारों तरफ फेंस की हुई है। और ये चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बकायदा 2 साल पहले गांव की मकामी कम्युनिटी बना के उसके हैंडओवर कर दिया है। अब गांव की मकामी कम्युनिटी ही इसको देखभाल करती है, इसको चलाती है, इसकी रिपेयरिंग करवाती है, और कोई भी घर 1 रुपया बिजली की मद में नहीं देता। हाल पता इतना ज़रूर है कि इसकी रिपेयरिंग जब होती है या कोई चीज़ खराब हो जाती है, ठीक करवानी होती है, तो फिर ये लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके कंट्रीब्यूशन करके तो फिर इसको रिपेयर करवा लेते हैं। जी नाजरीन, ये मेरा ख्याल आप सब लोगों के लिए भी इंतहाई दिलचस्प बात होगी कि ये पाकिस्तान का वाहद गांव है जो बगैर बिजली के बिल के चलता है, और इनके पास बिजली भी है। आजकल पाकिस्तान में हर जगह बिजली 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 हुई पड़ी है, और उसके महंगे बिल की वजह से हर बंदा परेशान है, लेकिन ये देख लें कि यहाँ पे 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं है। चोलिस्तानी के लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी सोलर पे ही चलता है सारा। सोलर सिस्टम के साथ बकायदा खंभे लगाए गए हैं जो पूरे गांव में बिजली की सप्लाई देते हैं। इंतहाई अच्छी क्वालिटी का ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए खंभे जा रहे हैं पूरे गांव में, बिजली की तारें हैं बकायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम की नाम अपना जी? मुश्ताक अहमद सर। मुश्ताक अहमद साहब, ये दस्यो के सोलर सिस्टम किने तानू दिता है गावे इस गांव नू? सर कोई अपना कर्नल साहब ने, उमर साहब ने, उन्होंने दिता है अपना सहूलत वास्ते, मतलब ये लाइट चले इस वास्ते। किन्ना पुराना है, कदों लगा है? तकरीबन सा 1.5 साल हो गए सर, डेढ़ बल्कि साल दो हो साल गए। होने वाले हैं कितनी प्लेटें हैं इसमें? सर। 200 प्लेट 200 प्लेट है। जी। और बैटरियां बैटरियाँ हैं सर 36 कितना टाइम चलता है जी? सर। अगर पूरा सिस्टम ऑन हो जाए या सही चलता रहे तो 24 घंटे भी चल जाता अच्छा, है। एक एक माह पूरा चल जाता है एक अगर एक पूरी लाइट चलती हो और लोड कम हो। अच्छा, जी ये खंभों के जरिए लोगों को दी हुई है तारें सारी? जी जी खंभों के जरिए 10 खंभे लगाए हैं,
और एक खंबे में 10-10 घर जो है ना उसमें मीटर लगवाए हुए हैं। कितने घरों को बिजली दी हुई है सर? तकरीबन 100 घर है। तो बिल कितना लेते हैं? बिल नहीं है सर, बिल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। लोग क्या क्या चलाते हैं इस पे? लोग सर बल्ब, पंखे, लगे कपड़े धोने वाली मशीन, इस्त्री, मतलब माड़ी मोटी लोड चुकने वाली चीज ना, पानी वाले पंप। इसकी असल मुहैया इसकी ये चीज है कि पानी वाले पंप जो है ना वो ज्यादा चलाते हैं और उससे लोड भी ज्यादा पड़ जाता है। लोड भी ज्यादा, हाँ, इस वजह इसकी वजह से बैटरियाँ कुछ डाउन हो जाती, इसलिए हमें कुछ देर बंद करना पड़ता है। अच्छा, बैटरियाँ कितनी है इसमें? 36। 36 बैटरियाँ हैं। रात को कितने बजे तक चल जाता है ये बैटरियों पे? तकरीबन सर पूरा सिस्टम चलता हो तो फिर तो 24 घंटे भी चल जाता है। अगर आधा सिस्टम हो, मतलब कि एक इन्वर्टर या दो इन्वर्टर खराब हो जाता है, फिर आधे सिस्टम के लिए हम 10-12-1 बजे तक चला लेते हैं। 2-4 घंटे इसमें रेस्ट दे देते हैं, सुबह फिर 8-9 बजे फिर सुबह चला। तो इसमें ये रिपेयरिंग वगैरह कहाँ से करवाते हैं या कौन करवाता है इसकी? इसकी वो कंपनी वाले आते हैं, उसके पैसे कौन देता है? खुद आप वो करते हैं हमने। अच्छा, आप लोगों का यानी कि कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगता? नहीं, अभी कोई रुपया भी नहीं लगता सर। अच्छा, मेंटेनेंस कौन करता है इसकी? खुद ही? खुद ये प्लेट जो है ना, इसको दूसरे दिन जो है ना हमें साफ करना पड़ता है, मतलब पानी मार के साफ करते हैं। हाँ। फिर इन्वर्टर पूरी देते हैं क्योंकि इसका करंट पूरा हो जाता है। हाँ। सूरज की वजह से फिर कम बैटरी फुल हो जाती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया।